हाय एवरीवन, हमारा जो 2020 चैलेंज चल रहा है हेल्दी ईटिंग का, उसके अंदर आज कुछ ऐसे मिथ है जिसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि एक जो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं लेडीज की कि पोस्टपार्टम यानी कि बेबी होने के बाद वेट लॉस कितना आसान है और किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेरीज हैं। सबसे पहली है कि बहुत जगह हमें जगह जगह अगर आप देखेंगे फेसबुक पे या फिर आपको जगह जगह बहुत ऐसे एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलते हैं या फिर कहीं और किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जिसमें ये मेंशन होता है कि सबसे पहली चीज़ तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट रिड्यूस 10 kg इन 1 month। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो चीज़ सुनने में आपको इतनी अच्छी लगती है कि 10 kgs इन 1 month, पहली चीज़ तो दिस इज़ नॉट हेल्दी वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर आप इसको डाइट के थ्रू करते हैं या फिर आप खाने के थ्रू करते हैं तो बेसिकली इट इज़ नॉट डाइट, आप एक तरीके की फैट डाइट पे हो, आप एक तरीके से जो बॉडी को न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है वो आप नहीं ले रहे हो। तो दैट इज़ नॉट राइट वे ऑफ डूइंग इट। अगर आपने इसको कर भी लिया तो कुछ टाइम के बाद, ये रीज़न होता है कि हम हमारी वेट लॉस, वेट गेन, डायबिटीज कंट्रोल या फिर हाइपरटेंशन कंट्रोल, किसी भी हेल्थ गोल की तरफ जो आपकी जर्नी है उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुए। तो दैट इज़ अ मेन रीज़न ऑफ नॉट डूइंग इट प्रॉपरली। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना कि ये पिल्स अवेलेबल हैं एंड ये पिल्स वेट लॉस करती हैं, वेट लॉस पिल्स हैं, इस बिल्कुल टोटली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत ही आसान हो जाता। एंड वेट लॉस मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मुश्किल है, बट वेट लॉस इज ऑल अबाउट हेल्दी ईटिंग, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। हेल्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। तो वो सब तभी सिंक में आएगा जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे। तो इन सब चीज़ों में ना जाएं, हेल्दी ईटिंग इज बेनिफिशियल आपको हेल्थ वाइज भी एंड साथ में वेल्थ वाइज भी। इन सब चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है अपनी हेल्दी ईटिंग में, एक्सरसाइज में या फिर आप किसी भी मोड ऑफ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में अपना आप ध्यान दें, तो वो आपको जो भी डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो आपको मिलेंगे। देन सेकंड है कि लो फैट एंड लो फैट और नो फैट डाइट, ये बहुत अच्छा तरीका है वेट लॉस का। अगेन बात आ जाती है जब आप एक्सट्रीमली लो फैट या नो फैट डाइट की बात करते हो तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फैट डाइट। मैं इसलिए ये कहना चाह रही हूँ फैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डाइट, होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं, एक तरीके का न्यूट्रिएंट है फैट, बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं और साथ में बहुत से ऐसे विटामिन्स हैं जो कि फैट की मदद से, जैसे विटामिन ए डी ई के, वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो फैट तो होगा बॉडी में तब वो बॉडी में अवेलेबल होंगे। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, इट इज़ रिक्वायर्ड, ये हमारी बॉडी में खुद भी बनता है, ब्रेन के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड। तो हम ये नहीं कह सकते हमारी बॉडी में खुद बनता है, मेरे कहने का मतलब ये है कोलेस्ट्रॉल, तो हम ये नहीं कह सकते कि फैट हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है एंड आप इस तरीके के मिथ में ना जाके बैलेंस्ड डाइट जो कि आपके किचन से है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने पूछी थी कि आप वेट लॉस आसान है, ये चीज़ें, ये क्वेरीज हमारे पास आई थी, उसके बाद हम पोस्टपार्टम वेट लॉस को डिस्कस करिए। वेट लॉस बहुत आसान है और आपको लगेगा कि ये चीज़ सुनने में कितनी अच्छी है कि वेट लॉस की बात करिए, वेट लॉस आसान, वेट लॉस बहुत आसान है। कब आसान है? जब आप हेल्दी ईटिंग फॉलो करते हैं, जब आपके आपकी फूड से जो आपकी रिलेशनशिप है दैट इज़ हेल्दी। आपने बिल्कुल सही सुना, फूड के साथ हमारी एक रिलेशनशिप होती है, दैट शुड बी पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशनशिप। आपको आपको इस बॉडी का ध्यान रखने के लिए, आपको हेल्दी लिविंग के लिए कि आप बीमारियों से दूर रहें, यू फील एनर्जेटिक, मेंटली यू आर स्ट्रांग, फिजिकली यू आर स्ट्रांग, इमोशनली यू आर स्ट्रांग, सब चीज़ों के लिए
फूड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो सो वी शुड हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद फूड. ऐसा ना, खाना खाने का तरीका बहुत मैटर करता है, आप किस तरीके से खाना खा रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भाग रहे हैं, भागते दौड़ते आप खाना खा रहे हैं. आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो आपके खाने को उसको देख के विजुअली इट शुड बी अपीलिंग, आपको अच्छा लगना चाहिए. सेकंड, उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, उसकी स्मेल अच्छी होनी चाहिए. एंड जब आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो यू फील गुड. तो खाना खाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. खाने को हमें चबा के खाना होता है, क्योंकि आप जितनी बार उसको चबाएंगे, आप जितनी अच्छी तरह से उसको आप एक चबा के, उसको आप एक लिक्विड बना के खाएंगे, उसके न्यूट्रिएंट बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होंगे. तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से खाना खाते हैं. तो अब मैंने बात किया वेट लॉस की. वेट लॉस आसान है, बहुत आसान है, अगर आप हेल्दी ईटिंग फॉलो करते हैं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी चीज़ों को लेके आते हैं, हेल्दी तरीके से कम करते हैं, तो आप उसको लूज भी कर पाएंगे. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. अगर देयर इज़ नो मेडिकल डिसऑर्डर तो आप खुद, आपको सिर्फ खुद की ज़रूरत है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है. हमारे पास लोग आते हैं तो उनका इश्यू कभी भी अवेयरनेस नहीं होता. अब आज के टाइम में इतना सारा आपको मटेरियल आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, हेल्दी ईटिंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. तो अब ज़्यादातर हमारे पास जो लोग आके हमसे मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन का कमी नहीं होती है, उनको पता होता है. द ओनली थिंग इज हाउ टू फॉलो दैट, उस इन्फॉर्मेशन को आप अपनी लाइफस्टाइल में कैसे लेकर आए. तो इसलिए हम फॉलो अप प्रोवाइड करते हैं, आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं. तो द थिंग इज कि अगर आपको हेल्दी ईटिंग फॉलो करना है तो यू डोंट नीड किसी की भी ज़रूरत नहीं है आपको, पहली चीज़. बट इसमें ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कोई मेडिकल डिसऑर्डर ना हो. अगर मेडिकल डिसऑर्डर या कुछ स्पेसिफाइड आपको किसी तरीके का फूड फॉलो करना है, आपके डॉक्टर ने बोला, देन यू नीड अ प्रोफेशनल का हेल्प. बट अगर आप हेल्दी ईटिंग में जाना चाहते हो, वेट बढ़ाना कम करना चाहते हो, देन आप घर पे बैठ के कर सकते हो. आपको क्या चाहिए? यू नीड मोटिवेशन, यू नीड कंटिन्यूड मोटिवेशन कि हाँ मैंने एक अपना गोल बनाया है. जैसे हम 2020 चैलेंज की बात कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अबाउट कि 2020 का चैलेंज आपको न्यू ईयर से ही स्टार्ट करना है. आप इसको टेक इट एज अ चैलेंज कि आप आज से, कभी भी कल परसों या आगे नहीं होता. अगर आपको हेल्दी ईटिंग में जाना है तो उसका कोई टाइम नहीं होता, वो अभी से शुरू होती है. तो हेल्दी ईटिंग में जाने के लिए यू डोंट नीड एनी हेल्प. करना क्या है, आपको धीरे धीरे अपना मील्स हेल्दी करना है. तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, छोटे छोटे चेंजेस आप कर सकते हैं. आपको भी पता है कि पानी का रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होता है, पानी का इंटेक पूरा होना चाहिए. मैं जनरली रिकमेंड करती हूँ 3 to 6 liters ऑफ वाटर पर डे. पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, डिटॉक्सिफाई करता है. तो पहली चीज़ पानी पीना. हम सबको पता है इट इज़ रिक्वायर्ड. हमारी बॉडी मैक्सिमम वाटर से हमारी बॉडी बनती है. देन सेकेंड थिंग, होम कुक मील हमेशा. मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन लोगों को लगता है वेट लॉस मुश्किल है, आप सिर्फ ये 5 चेंजेस अपनी डाइट में करें और मुझे 15 दिन के बाद बताइए कि आपको ये बेनिफिशियल लगा कि नहीं लगा. देन सेकेंड थिंग इज होम कुक मील. 15 दिन तक बाहर का बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए. एंड साथ में कोशिश करें आप कि जो होम कुक मील हो वो हेल्दी तरीके से बने और बैलेंस्ड मील हो. बैलेंस इंडियन खाना क्या होता है, उसके अंदर आपका अलग अलग ग्रेन्स की, होल ग्रेन्स की रोटी हो सकती है, जैसे जौ, ज्वार, बाजरा या फिर वीट, इसकी रोटी हो गई. 1 ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीजन में बहुत सारी लीफी वेजिटेबल है. 1 हमारी ग्रीन वेजिटेबल, 1 हमारा दाल का पार्ट हो गया, रोटी ले ली, साथ में कर्ड ले लिया, सैलड्स हो गए, सूप हो गए, ये हमारा होम कुक मील है. तो 2 मील्स आप ये लीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं. अगर कोई हैबिट है टी कॉफ़ी ड्रिंकिंग स्मोकिंग, इन हैबिट्स को कम करते करते हटाने की कोशिश करें. तो थर्ड पॉइंट इज, अगर इस तरीके का कोई हैबिट है तो उसको कम करके आप हटाने की कोशिश करें. फोर्थ थिंग इज, आप वॉकिंग करें 45 मिनट्स का. एंड फिफ्थ है, आपको अपनी नींद पूरी करनी होती है. जब तक कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है एंड यू आर नॉट फ्रेश, आपकी बॉडी एनर्जाइज फील नहीं कर रही, आप कुछ भी फॉलो नहीं कर पाएंगे. तो जस्ट 5 पॉइंट्स, सिंपलेस्ट ईजिएस्ट 5 पॉइंट्स स्टार्टिंग के लिए इतना काफ़ी है. अगले 15 दिन तक आप यहाँ करें. आपको किसी प्रोफेशनल की जरूरत कब पड़ती है, जब प्लेट्यू फेज आ गया, आपने अपनी बॉडी के साथ बहुत अब्यूज कर लिया, हर तरह का डाइट फॉलो कर लिया, अब वेट लॉस नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें, या फिर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है. तो हेल्दी ईटिंग के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं. अच्छा, अब हम बात करते हैं जो कि आज का टॉपिक था हमारा, पोस्टपार्टम वेट लॉस. आसान है कि नहीं है? अगेन, अगर एक नॉर्मल बंदे के लिए वेट लॉस आसान है
तो बिल्कुल पोस्टपार्टम वेट लॉस भी बहुत आसान है। बट यहाँ पे एक और चीज आती है, क्योंकि आपकी बॉडी एक मेजर चेंज से गुजर रही होती है, प्रेगनेंसी होना, डिलीवरी होना, एक बॉडी में एक मेजर चेंज है। तो सबसे पहली चीज जो मैं नई मदर्स को बोलती हूँ वो ये रहता है कि जल्दबाजी ना करिए। आपके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं एंड साथ साथ में जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो आपको इमोशनली, मेंटली एंड एक नया बेबी आपके पास है तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। सोने का टाइम नहीं होगा, उठने का टाइम नहीं होगा, तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब तरह के स्ट्रेस आपके पास है। तो सबसे पहले जिसको बोलते हैं कि भाई चिल पिल करिए, आराम से बैठो। जो ये टाइम इट्स अ वेरी स्पेशल टाइम, और तो इस टाइम को पूरी तरीके से इंजॉय करिए। फॉर 8 weeks शांति रखिए, सबसे पहले तो शांति रखिए। वेट जिस तरीके से आया है उस तरीके से चला भी जाएगा। ये सब मिथ है कि नहीं हो पाएगा, एक बार प्रेगनेंसी हो गई तो फिर वेट नहीं जाता, प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप वेट लॉस प्रॉपरली, अगर आप अपना डाइट का ध्यान रखते हैं, तो हमारी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है कि आफ्टर 1 ईयर, जब आपका बेबी 1 साल का हो जाता है, जस्ट 1 kg आपका वेट बढ़ा हुआ रहेगा। वो भी आप बाद में कम कर सकते हैं, बिकॉज आप ब्रेस्ट फीड करा रहे होंगे तो 1 kg आपका वेट बढ़ा रहेगा, बाकी आप अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ये सारा बताने का रीजन ये है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। तो उसके बाद 2 महीने यानी 8 weeks के बाद आप स्टार्ट करें। जनरली 6 to 8 weeks तक आपका 50% ऑफ द जो प्रेगनेंसी के टाइम जो आपने वेट लिया होता है वो चला जाता है। जनरली जब आप जब आपका प्रेगनेंसी, डिलीवरी के टाइम जो वेट होता है, डिलीवरी से पहले जो वेट होता है वो आपका 6 weeks to 8 weeks के अंदर हाफ वेट अपने आप चला जाता है। तो आराम से शांति रखो, बॉडी को वापस से रिजुविनेट होने दो, साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 months तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग जरूर होना चाहिए, बच्चे की हेल्थ के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, प्लस आपकी हेल्थ के लिए, आपके वेट के लिए। जो मदर कॉन्शियस होती हैं, बहुत सी मदर कॉन्शियस होती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से हमारा फिगर खराब हो जाएगा, या फिर हमारा वेट लॉस नहीं होगा, या फिर हम वेट लॉस का कोई रेजिम फॉलो नहीं कर पाएंगे, या कोई दवाई नहीं ले पाएंगे। तो पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, वेट लॉस आपका अपने आप हो जाएगा अगर आप 6 months तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो। दैट इज अ नेचुरल वे ऑफ डूइंग इट, तो इसको आप सेकेंड थॉट ना दीजिए। हम जनरली उसके बाद रिकमेंड करते हैं 2 ईयर्स तक आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, बट इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव। 6 months के बाद आप जो दूसरी चीज़ें होती है फूड की, वो धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो 6 months तक तो ये आपको ज़रूर करना है। उसके बाद मैंने बोला आपसे कि अगर एट वीक्स तक शांति रखिए, आराम से इंजॉय दैट टाइम पीरियड, उसके बाद उसको धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चीज है बॉडी की, इट इज नॉट अ डिजीज, ये चीज ध्यान में रखिए। तो बेबी होने के बाद धीरे धीरे आप एक्टिविटीज अपनी करना स्टार्ट करें। वॉकिंग आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। बॉडी को स्टेबलाइज होने में 6 to 8 months लगते हैं, तो मैं जनरली बोलती हूँ 8 months, बट उस 4 weeks में आपका खाना ऐसा होना चाहिए जो कि आपके मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करे। उसका रीजन क्या है, जब हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जब बॉडी मिल्क प्रोड्यूस करती है तो 300 टू 600 कैलोरी आप ऐसे ही बर्न कर रहे हो। तो वो आप देखिए, बहुत ही साइंटिफिकली हमारी बॉडी डिजाइंड है। तो जब आप 300 टू 600 कैलोरीज आप ऑलरेडी बर्न कर रहे हो, और अगर आप अपना डाइट थोड़ा सा मैनेज रखते हैं तो आप अपने आप वेट लॉस करेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपका जो डाइट है वो हेल्दी हो, बिकॉज क्वालिटी ऑफ मिल्क डिपेंड्स अपॉन योर डाइट। अब आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके बारे में भी सोचना है। दैट शुड बी आइडियल फॉर योर बेबी। तो अब इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जहां पे हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विथ हेल्दी ईटिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, बहुत सारी हर्ब्स हमारे किचन में है, जैसे अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, वो आपके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाती है। एंड बहुत सी ऐसी चीजें आप मिल्क ले सकते हो। अब आपको क्या क्या लेना चाहिए आपकी डाइट में, तो देखिए होल जो डाइट हम बोलते हैं विच इज गुड फॉर अ लैक्टेटिंग मदर इज लाइक प्रोटीन होना चाहिए आपकी डाइट में। तो लोबिया, चना, राजमा या फिर दालें, अलग अलग तरह की छिलके वाली दालों को प्रेफर करें, क्योंकि उसके अंदर विटामिन्स, उसके छिलके के अंदर फाइबर एंड विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। तो ये आपका एक कॉम्पोनेंट हो गया। एग आप अपनी डाइट में रख सकते हो, मिल्क आप अपनी डाइट में रख सकते हो। मिल्क के बहुत अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, वो मैं आपको कल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मिल्क इज हेल्दी और नॉट, इसके बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, तो इसको, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक तरीके का हमने प्रोटीन रख लिया, अगर आप चिकन वगैरह लेते हो तो वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद होल ग्रेन्स,
सात्विक डाइट की बात आती है कि अगर आप होल ग्रीन्स लेते हो, जैसे कि आपने अगर आप लेना चाहें तो मिलेट्स ले लिया, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी रोटी आप खा सकते हो। उसके बाद अगर हम ये हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गए, गुड फैट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत अवॉइड करिएगा। नट्स हैं, सीड्स हैं, मैं ये सारी चीज़ें आपको घर की ही बता रही हूँ, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। फास्ट फूड आपको जैसे बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स हैं, फ्राइड फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया, ये सब आपको अवॉइड करना है। जो चीज़ें हमारे घर में बनती है जैसे दालचीनी है, जीरे का पानी है, जो दिया जाता है पोस्ट प्रेगनेंसी, उसको ज़रूर लीजिएगा। जब कोई हमसे भी डाइट प्लानिंग कराता है तो मेरी डाइट में बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड आइटम्स होते हैं, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक देम, क्योंकि आपकी यूट्राइन हेल्थ के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। और उसके साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये आप अपनी डाइट में रखें। भूखे नहीं रहना है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं, छोटा बच्चा है। सबसे पहले अगर आप फ्लाइट में भी जाते हैं तो सबसे पहले आपसे बोलते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले अपना मास्क लगाओ फिर बच्चे का मास्क लगाओ। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप ही तो उनको फूड दे रहे हैं। अगर आप अपने खाने पर ध्यान नहीं दोगे कि मिल्क की मिल्क की क्वांटिटी भी एंड क्वालिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज होती है, तो हमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और अगर आप वीकली 300 ग्राम्स से लेकर 600 ग्राम्स तक वेट लॉस करते हैं तो मिल्क की क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। तो जिसको हम बोलते हैं ना फटाफट वेट लॉस, दैट इज नॉट नीडेड एंड इट शुड नॉट बी डन। आपने जितना भी वेट गेन करा है, आप 6 to 8 वीक्स तक हाफ वेट तो आपका वहां चला जाएगा, एंड देन नेक्स्ट बाकी बचे वेट जो आपके 10 मंथ्स होते हैं, लाइक मैं 1 ईयर तक की बात कर रही हूँ, उसमें आपको हर वीक 300 ग्राम से 600 ग्राम तक आप जब वेट रिड्यूस करेंगे तो आपने 12-15 किलो जो भी रिड्यूस किया होगा विद इन 1 ईयर्स या थोड़ा सा ऊपर आप अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे होंगे। बिकॉज आप ब्रेस्ट फीड करा रहे होंगे तो 1 to 1.5 kg अगर बढ़ावा भी है तो वो बाद में जब ब्रेस्ट फीडिंग बंद होती है 2 साल के बाद, तो वो वहाँ पे आपका वेट बराबर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। वॉकिंग आप हमेशा कर सकते हो, धीरे धीरे वॉकिंग को बढ़ाते जाएं। जहां हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको अपने गायनेक से कंसल्ट करना चाहिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था। नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम जनरली बोलते हैं कि 2 मंथ्स के बाद अगर आप करना चाहते हैं एक्सरसाइज तो कर सकते हो, बट फिर भी टूवर्ड्स द सेफर साइड आप वॉकिंग हो गया इसको आप अच्छी तरह से ब्रिस्क वॉकिंग को आप रखें, एंड 3 या 4 मंथ्स के बाद अगर आप जिम जाके करते थे तो वो भी आप जाके कर सकते हैं। अगर आप सिजरिंग की बात करते हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि 4 मंथ से पहले हमें विदाउट प्रोफेशनल सपोर्ट इसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो इसमें आपको कोई प्रोफेशनल का हेल्प लेके फिर आपको जिम की एक्सरसाइजेस आपको स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये है हमारा पोस्टपार्टम वेट लॉस के बारे में, इसके बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रेगनेंसी होने से पहले ही लेडीज को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है कि मैं वापस से अपना वेट रिड्यूस कर पाऊंगी, मैं जो ये वेट गेन हो गया है ये किस तरीके से वापस कम होगा, मैं कर भी पाऊंगी। बिल्कुल सही बात है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, ये चीज़ आपको स्ट्रेस देती है, बट जब बेबी हो जाता है तो स्ट्रेस के बहुत सारे दूसरे रीजंस भी होते हैं। तो इस रीजन को वेट लॉस बहुत आसान है अगर आप हेल्दी ईटिंग करें। तो हेल्दी ईटिंग में आपको करना क्या है, जितना भी जंक है, बाहर का फूड है या फिर कोलाज हो गए, ये जो शुगरी फूड आइटम्स होता है, फ्राइड होता है, इसको हटाना है एंड होम ईटिंग को एंजॉय करना है, जो आपके घर में बन रहा है उसको एंजॉय करना है। तो दोनों तरीके से आप पैसे भी बचाओगे एंड जल्दी से वेट लॉस भी हो जाएगा एंड आप प्री प्रेगनेंसी वेट पे भी पहुंच जाएंगे। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मैम अलग अलग चीज़ों के लिए, तो हम एक नई चीज़ यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, 12 से 1 के बीच में आप यहाँ पे रिक्वेस्ट ड्रॉप करिएगा। जब आप रिक्वेस्ट ड्रॉप करते हो तो 12 to 1 के बीच में हम आपको, जिन्होंने रिक्वेस्ट ड्रॉप करी है उनको हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप उस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो फिर डायरेक्टली आप, अगर आपकी ऐसी कोई कंसर्न है, इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज, आपकी कोई कंसर्न है तो हम उस पर बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में हम बात करें किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर के बारे में, अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आई है मिल्क के बारे में, कल बात करते हैं हाइपोथायराइड डाइट के बारे में, उस पर भी एक सेशन करेंगे कल या परसों। तो आप हमारे पेज को फॉलो करते रहें ताकि जैसे ही हमारा ये कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो वो आपको मिलेगा। मैं मेरा यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस का लिंक भी डाल रही हूँ, सेम इसी तरीके के सेशन हम यूट्यूब पे भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे मैम फेसबुक पे ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है, तो अब यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब पे आप जब चाहें तब पुराने सेशंस पे जाके आप उनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप करो और फिर कल फिर से मिलते हैं। चलिए बाय।